संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ऐसी महान है भारत की संस्कृति जहां कला और साहित्य को सर्वोपरि रखा गया है। और यही कारण है ऋचा कि शायद प्राचीन काल से ही कला और संस्कृति की सहस्रों धाराएं भारतवर्ष में बहती आई हैं। और ऐसी ही एक कालजयी धारा है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी एक ऐसी कृति जिसमें माँ पार्वती के सौंदर्य और कृपा का 103 श्लोकों में वर्णन है, जो केवल एक काव्य ही नहीं बल्कि तंत्र ग्रंथ है। तो चलिए आनंद लेते हैं डीडी मॉर्निंग शो में इस एक अद्वितीय कृति के अंश का। केरल के कालड़ी गांव में धर्मनिष्ठ दंपति शिवगुरु और सुभद्रा आर्यांबा को चंद्रमौलीश्वर शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनकी अनन्य भक्ति के फल स्वरूप एक अल्पायु लेकिन अलौकिक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसलिए जब वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन ईश्वर के उस अंश का जन्म हुआ तो उसका नामकरण भी शंकर किया गया। शन शंकरोति स शंकरः, अर्थात जो कल्याण करे वही शंकर है। यह बालक आगे जाकर आदि गुरु शंकराचार्य बने, जिन्होंने सनातन विचारधारा के अस्तित्व का उत्थान किया। एक वर्ष की आयु में बालक शंकर अपनी मातृभाषा मलयालम में अपने भाव प्रकट करने लगे। 2 वर्ष के होने तक माँ से सुनी पुराणों की कथाएं उन्होंने कंठस्थ कर ली। 3रे वर्ष उनका यज्ञोपवीत हुआ और 7वें वर्ष तक वह वेद वेदांत का पूर्ण अध्ययन कर चुके थे। एक बार तो भिक्षा के समय जब उन्होंने गरीब महिला को असमर्थ पाया तो उन्होंने उस पर ही अपने आशीर्वाद से सुवर्ण वर्षा कर दी। तो चलिए उन्हीं के लिखे शक्ति की उपासना स्वरूप ग्रंथ सौंदर्य लहरी को सुनते हैं। पहले 2 श्लोकों में ये कहा गया है कि जो देवता शक्ति को नहीं मानते वो पूजने भी नहीं है। चरण पंके रुह भवम् विरिञ्चि सञ्चिन्वन्
शिरसा।